हैप्पी हेल्दी वेल्दी टाइम्स। आज मैंने बनाया है चाइनीज फ्राइड राइस। ऐसे तो बहुत तरीके का फ्राइड राइस होता है, लेकिन एक बार आप इसको बना के ट्राई करना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। तो चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पत्ता गोभी का टुकड़ा लिया है, जिसको महीन काट लिया है। ये 50 ग्राम के जितना मटर है, एक मीडियम साइज का प्याज, ये 7-8 बीन्स है, और ये एक गाजर। इन सारी चीज़ों को मैंने महीन काट लिया है। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 7 से 8 लहसुन की कली ली है मैंने, उसको भी महीन काट लिया है। ये काली मिर्च है जिसको मैंने क्रश कर लिया है। आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। विनेगर, सोया सॉस, और यहाँ पर मैंने 1 कप चावल लिया है जिसको अच्छे से 2 बार धो लिया है, और इसको 5 मिनट तक मैंने पानी में रखा है और उसके बाद इसको छान लिया है। यहाँ पर मैंने पानी को उबलने के लिए पहले से ही रख दिया था। एक बड़ा बर्तन लिया है मैंने इसके लिए। पानी उबल गया है तो अब इसमें मैं ये चावल डाल दूंगी, ये जो मैंने धो के रखा था इसको डाल देंगे। फ्राइड राइस बनाने के लिए जहाँ तक हो सके चावल को खुले में ही बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, चावल एक दूसरे में चिपकता नहीं है। इसको चला लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच से भी कम घी। घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं आप इसमें। अगर आप चावल को कुकर में बनाना चाहते हैं तो 1 कप चावल के लिए आप उसमें 1.5 कप पानी डालें और 1 सीटी लगने तक चावल को पकाएं। तो अभी ये चावल 10 मिनट में पक जाएगा, तो अभी चावल को पकने देते हैं। 10 मिनट हो गया है और ये चावल बनके रेडी है। अब हम इसको छान लेंगे। आप चाहें तो एक बड़ा छलनी ले लें, उसमें चावल को डाल दें, जिससे कि इसका पानी आराम से निकल जाए, या फिर इस पर एक ढक्कन रख के आप इसका पानी निकाल सकते हैं। मैं इस पर एक ढक्कन रख के इसका पानी निकालूंगी। तो अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। चावल का मैंने पानी निकाल लिया है और इसको एक बड़े बर्तन में फैला दिया है। अब हम चावल को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच घी। आप तेल का भी यूज कर सकते हैं, मुझे घी पसंद है इसलिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। इसके बाद घी में डाल देंगे लहसुन, ये जो मैंने काट के रखा था। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। अदरक का टुकड़ा, ज्यादा नहीं पकाना है इसको। अब इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का प्याज, कभी हम ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे इसको, बस हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, इतना ही इसको ब्राउन करना है। अब इसमें डाल देंगे मटर और बीन्स, दोनों को मिला लेंगे और इसमें 1 चुटकी नमक डालेंगे, जिससे कि मटर और ये बीन्स जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। इसको मिला देते हैं। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे।
एक मिनट हो गया है मुझे मटर और बीन्स को चलाते हुए, तो अब इसमें डाल देंगे गाजर और पत्ता गोभी, मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच सोया सॉस। एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, इसको मिला लेंगे। एक मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। एक मिनट हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे चावल, मिला लेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक मैंने पहले भी एक चुटकी डाला था और सोया सॉस में भी नमक होता है, तो हम उस हिसाब से ही इसमें नमक डालेंगे। इसके साथ ही ये जो मैंने काली मिर्च को क्रश करके रखा था इसको डाल देंगे, मिला लेते हैं इसको। अब गैस को ऑफ कर देंगे। इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये हमारा चाइनीज फ्राइड राइस बनके रेडी है। इसको मैं थोड़ा सा गार्निश कर देती हूँ जिससे कि ये देखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि खाने में तो ये अच्छा है ही। इसको हम अपने देश में खा रहे हैं इसलिए मैं इसको अपने तरीके से गार्निश कर रही हूँ धनिया पत्ती से, क्योंकि चाइना में तो इससे इसको धनिया पत्ती से गार्निश नहीं किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।